गहरी नींद के लिए शक्तिशाली योग निद्रा ध्यान में मैं मधु चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। योग निद्रा जिससे शरीर और मन को विश्राम मिलता है। योग निद्रा बहुत ही सहज ध्यान है। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना है, बस विश्राम करना है। योग निद्रा एक आध्यात्मिक नींद की अवस्था है जिसमें आपका शरीर सो जाता है लेकिन आप पूरी तरह से सचेत होते हैं। कई बार पूरी रात की नींद के बाद भी आप सुबह थकान महसूस करते हैं। लगातार चल रहे विचारों के कारण शरीर सो जाता है लेकिन मन को आराम नहीं मिलता। बुरे सपने आते हैं और आप कई घंटे सोने के बाद भी तरोताज़ा महसूस नहीं करते। योग निद्रा का अभ्यास मन में चल रहे विचारों को विराम देता है। योग निद्रा का अभ्यास सोने से पहले किया जाए तो हमारी नींद की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि सोने से ठीक पहले हमारे मन की जो अवस्था होती है, पूरी नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन उसी अवस्था में काम करता है। ये विचार रहित नींद बहुत ही ताजगी भरी होती है। आपके कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। योग निद्रा के वक्त आप अपने अवचेतन मन में बहुत गहराई तक जा सकते हैं। अवचेतन मन में उन इच्छाओं के बीज बो सकते हैं जिन्हें आप सच होते हुए देखना चाहते हैं। इस विशेष योग निद्रा का अभ्यास आप हर रात गहरी नींद में आराम के लिए कर सकते हैं। सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास पूरे दिन की थकान और तनाव को दूर कर देगा और आप अधिक गहरी और ताजगी भरी नींद का अनुभव कर पाएंगे। एक आरामदायक स्थिति में पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला रखें, हाथों को शरीर के बगल में रखें, शरीर से थोड़ा दूरी पर, दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ खुली रखें, कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें, चेहरे की तरफ ध्यान लाएं, ख़ास तौर से अपनी आँखों की तरफ ध्यान ले आएं। आँखें बंद कर लें और ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। आँखों की पलकें, आँखों के आसपास की मांसपेशियाँ बिल्कुल ढीली कर दें। पूरा माथा यानी कि फोरहेड एकदम रिलैक्स करें। माथे पर कोई शिकन ना हो, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम ढीला। पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स। अपने होंठ और जीभ को विश्राम दें। मन की आँखों से अपने चेहरे को देखें। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है और आप एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। दोनों हाथ, गर्दन, आपका सीना एकदम शिथिल है। पेट, पीठ, दोनों पैर बिल्कुल ढीले होते जा रहे हैं। पूरे शरीर को महसूस करें। किसी भी भाग में असुविधा लग रही हो तो उस भाग को हल्का सा हिलाकर ढीला छोड़ें। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान आपको शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, ना ही आंखें खोलनी है। इसलिए अभी अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लें। ज़रूरत लगे तो थोड़ी देर
वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आइए अब योग निद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। अपना ध्यान शरीर से हटा लें और सांसों की तरफ ले आएं। आपकी सांसें एकदम सामान्य रूप से चल रही हैं। अपनी चेतना को नाक के आसपास लाएं। महसूस करें ताज़ी हवा आपके नथुनों से नाक के अंदर प्रवेश कर रही है और गले से होती हुई आपके फेफड़ों तक जा रही है, लंग्स तक पहुंच रही है। एक गहरा सांस भरें और महसूस करें आपका पेट और सीना फूल रहा है। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। सांस बाहर छोड़ने के साथ आपका पेट और सीना अंदर जा रहा है। बाहर आने वाली सांस हल्की सी गर्म है। महसूस करें सांसों की गर्माहट को अपने ऊपरी होंठ पर। एक और बार लंबा गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। सांसों को बाहर छोड़ने के साथ आपका शरीर और गहरे विश्राम में जा रहा है। आपके शरीर का हर अंग एकदम रिलैक्स हो रहा है। शरीर की थकान धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपका शरीर शिथिल और शिथिल और शिथिल होता जा रहा है। अब अपना ध्यान विचारों से हटा दें और बाहरी वातावरण की तरफ ले आएं। कुछ देर आसपास से आ रही आवाज़ों को सुनते रहें। बहुत दूर से आ रही आवाज़, पास की आवाज़, तेज़ आवाज़, धीमी आवाज़, चेतना को एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ तक ले जाते रहें। अधिक तेजी से ध्यान ना लगाएं। हर छोटी बड़ी आवाज को सुनते जाएं। आवाज किसकी है ये जानने की कोशिश ना करें, बस अपनी चेतना को अलग अलग आवाजों पर घुमाते जाएं। फिर से अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। आपका शरीर लेटा हुआ है और आराम कर रहा है। मन की आँखों से देखें अपने शरीर को लेटे हुए। मन ही मन दोहराएं, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ। अब मन ही मन संकल्प लें, कुछ ऐसा जो आप दिल से चाहते हो कि पूरा हो। इस इच्छा को स्पष्ट और कम शब्दों में मन ही मन दोहराना है। संकल्प हमेशा वर्तमान काल में कहना है, प्रेजेंट टेंस में, मानो कि जो आप चाहते हैं वह अभी हो रहा है। मन ही मन 3 बार दोहराएं इस संकल्प को पूरी आस्था और विश्वास के साथ।
अब आपको अपना ध्यान शरीर के अलग अलग अंगों की तरफ ले जाना है। मैं जिस भाग का नाम लूँ उस भाग की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। हो सके तो मन की आँखों से उस भाग को देखें। ध्यान अपने दाएं हाथ की तरफ ले आए। दाएं हाथ का अंगूठा और उंगलियों को मन की आँखों से देखें और रिलैक्स करें। हाथ की हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी के आगे की भुजा, कोहनी के पीछे की भुजा, दाहिना कंधा, बगल, शरीर का दाहिना भाग, दाई कमर, दाया नितंब, दाया घुटना, पिंडली, रखना, दाएं पैर की एड़ी, तलवा, दाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा पंजा, पूरा दाहिना पैर एक साथ, पूरे दाएं पैर को एक साथ देखें, शिथिल करें। महसूस करें आपके शरीर का पूरा दायां भाग एकदम रिलैक्स हो चुका है। शरीर में आए भारीपन को महसूस करें। शरीर के दाएं और बाएं भाग में आए अंतर को महसूस करें। अब अपनी चेतना को बाएं हाथ की तरफ ले आए। बाएं हाथ का अंगूठा और चारों उंगलियां, हाथ की हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी के आगे की भुजा, कोहनी के पीछे की भुजा, बायां कंधा, बगल, शरीर का बायां भाग, बाईं कमर, बायां नितंब, बाईं जंघा, बायां घुटना, पिंडली, टखना, बाएं पैर की एड़ी, तलवा, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का अंगूठा और चारों उंगलियां, पूरा पंजा एक साथ, शरीर का पूरा बायां भाग एकदम शिथिल हो चुका है। अब अपनी चेतना को शरीर के पीछे की तरफ ले जाएं, पीठ की तरफ, दायां कंधा, दाएं कंधे के पीछे का भाग, बाएं कंधे के पीछे का भाग, पूरी रीढ़ की हड्डी, शरीर का पूरा पिछला भाग, सिर से लेकर पैर तक शरीर का पूरा पिछला भाग एकदम रिलैक्स। मन की आँखों से शरीर के पूरे पिछले भाग को एक साथ देखें। देखें आपका शरीर आपके बिस्तर या आसन को कहाँ कहाँ पर छू रहा है। आपकी एड़ी के नीचे का हिस्सा, आपकी पिंडलियाँ, आपकी जांघें, नितंब, पीठ का कौन सा भाग आसन को छू रहा है। सिर को महसूस करें अपने आसन या जहाँ भी आप लेटे हैं, सिर का पिछला भाग उस आसन को छू रहा है। अपने शरीर और आसन के बीच जहाँ जहाँ कांटेक्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ स्पर्श हो रहा है, उन भागों को महसूस करें। अब अपना ध्यान शरीर के सामने के भाग पर ले आए। सिर का ऊपरी हिस्सा, माथा, दाईं भौं, बाईं भौं, भूमध्य यानी दोनों भौं के बीच का स्थान, दाहिनी आँख की पलक, दाहिनी आँख की पुतली, पूरी दाहिनी आँख, बाईं आँख की पलक,
बाई आंख की पुतली, पूरी बाई आंख, दाहिना कान, दाहिना गाल, बायां कान, बायां गाल, नाक के दाहिने तरफ का भाग, नाक के बाई तरफ का भाग, पूरी नाक, निचला होंठ, ऊपरी होंठ, ठुड्डी, पूरा गला, दाई तरफ वाली छाती, बाई तरफ वाली छाती, पूरी छाती, नाभि, पेट और पेट का निचला भाग, पूरा दाहिना हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दायां नितंब, बायां नितंब, मेरुदंड, पूरी पीठ, पेट, छाती, शरीर का सामने वाला भाग, शरीर का पीछे वाला हिस्सा, पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर को एक साथ देखें। अब महसूस करें आपका पूरा शरीर अर्धचेतन अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ है। अपनी श्वास प्रश्वास की तरफ ध्यान दें। अनुभव करें आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते रहें। अब आपको मानसिक रूप से ऐसा महसूस करना है कि आपकी सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी बाएं नासिका छिद्र से शरीर के अंदर जा रही है और दाएं नासिका छिद्र से यानी राइट नॉस्ट्रिल से बाहर आ रही है। ऐसा आपको सिर्फ मानसिक रूप से अनुभव करना है, हाथों का प्रयोग नहीं करना है। हर बार सांस बाएं नासिका छिद्र से शरीर के अंदर जा रही है और दाएं नासिका छिद्र से बाहर आ रही है। हो सकता है आप दोनों नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हों, लेकिन आपको मानसिक रूप से ऐसा ही अनुभव करना है। 50 से लेकर 1 तक की गिनती करते जाएं और सांसें लेते रहें। अगर बीच में गिनती भूल जाते हैं तो फिर से 50 से शुरू करें। हर बार लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना और राइट से बाहर छोड़ देना। अगले कुछ देर तक आपको मेरा कोई निर्देश नहीं मिलेगा। सांसें लेते रहें और गिनती करते रहें।
रिलैक्स। अब कल्पना करें आप समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। समुद्र की लहरें आपके पैरों को स्पर्श कर रही हैं। अपने पैरों में शीतलता का अनुभव करें, ठंडक को महसूस करें। मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बना रही है। सामने सूरज अस्त हो रहा है। धीरे धीरे सूरज की किरणें आपके ऊपर आ रही हैं। आपको एक नई चेतना मिल रही है। वहीं पर खड़े होकर आप चेतना का अनुभव कर रहे हैं। सूरज का रंग लाल है और उसकी किरणें आपके चेहरे पर गिर रही हैं। आपका चेहरा सूरज की तरह लाल चमक रहा है, लाल हो गया है। चेहरे पर आई इस चमक को मन की आँखों से देखें। समुद्र की लहरों का शोर आपके कानों में जा रहा है। सुनते रहें लहरों की आवाज को। दूर दूर तक फैला समुद्र मानो एक आनंद का सागर है। छलकता हुआ आनंद का सागर, और इस आनंद सागर में आप गोते लगा रहे हैं। देखें अपने आप को धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतरते हुए। जैसे जैसे आप समुद्र में गहरे उतरते जाते हैं, आप अपने अवचेतन मन को और अंदर तक और भीतर तक महसूस कर पाते हैं। आपका अवचेतन मन एकदम शांत हो चुका है। समुद्र में हम जितना भीतर जाते हैं, लहरें शांत होती जाती हैं। ठीक उसी तरह आप अवचेतन मन में जब गहराई तक जाते हैं, आपके विचार शांत होते जाते हैं। आपका मन धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो चुका है। इस आनंद सागर की गहराई में उतरते जाएं और गहरे और अंदर तक जाते रहें। अब आप इस सागर के बिल्कुल तलवे तक पहुंच चुके हैं। एकदम गहरे जहां पर इस सागर का अंत है, इस गहराई में जाकर आप लेट जाते हैं। आंखें बंद करके देखें अपने आप को
आनंद सागर की गहराई में लेटे हुए। जहाँ कोई तनाव, कोई दुख, कोई चिंता नहीं पहुंच पाती है। सागर यहाँ पर आकर एकदम शांत हो जाता है। आपका मन यहाँ आकर बिल्कुल शांत हो चुका है। कोई विचार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं। हर तरह के रोग, चिंताएं खत्म हो चुके हैं। चारों ओर असीम शांति, असीम विश्राम। इसी विश्राम की अवस्था में आप गहरी नींद में जाते जा रहे हैं, और गहरे। आप पूरी तरह से सो चुके हैं, गहरी नींद में जा चुके हैं। इतना गहरा विश्राम, इतनी गहरी नींद आपने आज से पहले कभी अनुभव नहीं की। ये नींद इतनी आनंद से भरी है, ठीक ऐसे जैसे विष्णु का अवतार शेषनाग पर विश्राम कर रहा हो। यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करता है। पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति, गहरी नींद। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप जब भी आराम करना चाहें आ सकते हैं, संपूर्ण विश्राम और गहरी नींद के लिए। आप जब तक चाहें यहाँ पर आराम कर सकते हैं। आराम से सो जाएं, ये आपकी अपनी जगह है। आपका अपना आनंद महल, आपका अपना आनंद सागर। इस आनंद सागर में गोते लगाते हुए गहरी नींद में सो जाएं, सो जाएं।
आप अपनी पूरी चेतना के साथ शरीर की तरफ लौट रहे हैं। अपने शिथिल पड़े हुए शरीर का अनुभव करें। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आती जाती श्वास को देखें। आप मन ही मन योग निद्रा की शुरुआत में किए गए संकल्प को 3 बार दोहराएं, गहरे विश्वास के साथ। शब्दों को बदलना नहीं है। योग निद्रा के समय किए गए संकल्प अवश्य ही पूर्ण होते हैं, फलीभूत होते हैं, कभी अधूरे नहीं रहते हैं। जब आपका उठने का मन हो, धीरे से अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अब पूर्ण रूप से शरीर को बाईं तरफ करवट दिलाएं। फिर दाईं करवट लीजिए। फिर से बाईं ओर करवट लें और धीरे से उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। हथेलियों को आपस में रगड़िए और अपनी हथेलियों को आंखों पर रख दें। चेहरे पर हाथ को फिराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दें और एक नई चेतना और ऊर्जा को अनुभव करें। इस नए उत्साह के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ मैं मधु चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।